गायत्री देवी आगे बढ़ो, गायत्री देवी आगे बढ़ो। नहीं चाहिए ऐसे मेरे प्यारे, जो अच्छे काम करेगा हर व्यक्ति के जिंदाबाद के नारे लगेंगे और ये नारे लगते रहने चाहिए। जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, कल्याण के लिए बढ़िया काम करेगा उसी के तो जिंदाबाद के नारे लगेंगे। आज हमारी गायत्री अच्छे संकल्पों को लेकर चल रही है तो जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे तो क्या लगेंगे मेरे प्यारे? चुनाव लड़ना चाहती है ऐसे मेरे प्यारे, चुनाव को लड़े तो कोई बुरी बात थोड़ी। अच्छा मुझे बताओ कि लोकतांत्रिक मेरा भारत देश है, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में होता क्या है? यहाँ लोग चुनाव लड़ते भी हैं और बल्कि स्वामी धर्मदेव तो कहना चाहता है कि अच्छे लोग अगर आते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली का निर्वहन करते हैं, उसमें बुराई नहीं है, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो, क्योंकि मैं इनके जीवन को देख चुका हूँ, अच्छे भाव है, अच्छा स्वभाव। स्वामी धर्मदेव कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, सुन लो मेरे भाई, स्वामी धर्मदेव ने चुनाव नहीं लड़ना लेकिन अच्छे लोगों को आशीर्वाद जरूर देना है। युवाशाली है, ये ताकत सारी गुरुदेव ने भरी है, एक बार बजाओ गुरुदेव ने भरी है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कार्यक्रम जो सनातन धर्म को पंचसूत्रीय जो ये कार्यक्रम है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार से शुरू किया था और स्वामी धर्मदेव जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें देशभक्ति, नशा मुक्ति और दृढ़ निश्चय, असहाय लोगों की सहायता, मातृ पितृ वंदन, ऐसे ऐसे पंचसूत्रीय कार्यक्रम जो एक माला में पिरोने का कार्य किया गया और स्वामी धर्मदेव जी के सानिध्य में शुरू किया गया। ये कार्यक्रम आज हांसी में भी हुआ कि हम सनातन धर्म से किस तरह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ के जागरूकता की ओर ले जा सकते हैं। गायत्री देखा गया इस कार्यक्रम में, गायत्री यादव जिंदाबाद, गायत्री यादव आगे बढ़ो के नारे लगाए गए। देखिए हर व्यक्ति की अपनी एक टीम होती है और टीम वर्क में व्यक्ति करके आगे बढ़ता है। तो ये जो लोग थे, ये जो युवा साथी आए हुए थे, युवा भाई आए हुए थे, ये हमारी टीम का हिस्सा है जो अपने उत्साह को रोक नहीं पाए। काफ़ी बार रोकने का भी मैंने इनको प्रयास किया और स्वामी धर्मदेव जी के भी यहाँ पर नारे लगे क्योंकि स्वामी धर्मदेव जी हमारे धर्म का, यहाँ पर मैं कहूँगी सनातन धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहिए, ये एक बहुत खुशी की और सौभाग्य की बात है। और हांसी की बेटी होने के लिए मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि इस जन्मभूमि पर मुझे कर्म करने का जो अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। देखिएगा आप युवा हैं और युवा बहुत आए हुए थे, जोश बहुत दिखा गया, गायत्री देवी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जी देखिए मैंने वही आपको बताया कि ये एक मेरी टीम है और टीम वर्क से जो काम चल रहा है। सारे नहीं चुनाव लड़ने का आपका पूरा विधान? देखिए लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है लेकिन संगठन जिस तरह से जिम्मेवारी मेरी लगाएगा मैं उस पर पूरा खरा उतरने का कार्य करूंगी। तो यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सनातन धर्म को जब हम हमारे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी के सानिध्य में लेकर हम पूरे हरियाणा में और पूरे भारत में एक अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं, जो पंचसूत्रीय हमारा कार्यक्रम है, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि नशा मुक्ति। और मैं कहीं भी किसी गाँव में या कहीं भी कार्यक्रम करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि युवा हूँ और महिला हूँ, उसमें ये कहती हूँ कि आप जो भी परिवार है नशे से बर्बाद होने से बचिए और जागरूक, जिस तरह से आपकी बेटी, आपकी बहन एक महिला होते हुए जागरूकता का अभियान चलाए हुए है, आप भी सनातन धर्म को और जो हमारा अब राम मंदिर बनने जा रहा है उसमें हम पीले चावल घरों घरों तक पहुंचा रहे हैं लोगों को कि आप राम मंदिर जो हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। गायत्री जी की पीठ थपथपाने आया हूँ, अच्छे संकल्प है, अच्छे भाव है, युवा वर्ग में रह करके युवाओं को प्रेरणा दे रही है और आज राष्ट्रीय सनातन महासंघ जो गैर राजनीतिक संगठन हमारा है और इस कार्यक्रम को इन्होंने आयोजित किया है तो इन आयोजकों को, इनके साथियों को, सहयोगियों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद है।